हाय एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं क्रिस्टल के घनत्व की, कि क्रिस्टल घनत्व को ज्ञात कैसे किया जाता है। ठीक है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है जिससे हम क्रिस्टल के घनत्व को न्यूमेरिकली ज्ञात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये जो फॉर्मूला आया है हमारे पास, इसको हम ड्राइव भी करेंगे, और यहाँ पर ये चीजें क्या है, जेड, एम, एन ए और ए क्यूब, इनके बारे में पता करेंगे क्या चीजें हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी क्रिस्टल घनत्व, देखिए कोई क्रिस्टल है इकाई सेल से मिलकर बना होगा, है ना। किसी क्रिस्टल का घनत्व उसमें उपस्थित इकाई सेल, ठीक है, इकाई सेल के घटक कणों की संख्या पर निर्भर करता है। देखो ये तो थ्योरी में लिखने वाली बात है, लेकिन इसको समझो ऐसे। देखो कोई क्रिस्टल है इकाई सेल से मिलकर बना है, ठीक है। अब इकाई सेल में जितने ज्यादा घटक कण होंगे, इकाई सेल में जितने ज्यादा घटक कण होंगे, उस क्रिस्टल का घनत्व उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, उस क्रिस्टल का घनत्व उतना ही ज्यादा होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं किसी क्रिस्टल में FCC सिस्टम है, किसी क्रिस्टल में FCC सिस्टम है, वहां पे प्रति इकाई सेल घटक कणों की संख्या कितनी होती है, चार। किसी क्रिस्टल में BCC सिस्टम है, वहां पे प्रति इकाई सेल घटक कणों की संख्या क्या होती है, दो। और मैं अब आपसे पूछूं कि बताओ इसका घनत्व ज्यादा होगा या इसका घनत्व ज्यादा होगा, तो आप मुझे फटाक से जवाब दोगे कि जी इसका घनत्व ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रति इकाई सेल घटक कणों की संख्या चार है, या प्रति इकाई सेल घटक कणों की संख्या दो है। उससे अलग अलग तरंग आते हैं सिंपल क्यूबिक में, वहां पे तो एक ही होती है, उसकी तो डेंसिटी जो है, उसका जो घनत्व है वो तो और भी कम होगा। ठीक है, और जो ये घटक क्रिस्टल का घनत्व है, इसको हम ज्ञात करते हैं एक मेथड से। उस मेथड का नाम है एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक्सरे डिफ्रैक्शन, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे एक्स किरण। और ये एक्स किरण वही है जिनसे हड्डी वड्डी टूट जाती है ना, उसका पता करते हैं विवर्तन। यहाँ पर जो है एक्सरे डिफ्रैक्शन जो मेथड है हमारे पास, यहाँ से हम इकाई सेल की लंबाई पता करते हैं, और वो किस सिस्टम में है, FCC में या BCC में, इसका पता करते हैं और डेंसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इस फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं पहले तो। ओके, शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे एक दो चीजें मानेंगे। सबसे पहली बात जो होगी हमारे पास, वो मानेंगे, माना इकाई सेल की लंबाई, इकाई सेल के किनारों की लंबाई ज्यादा बेटर होगा, इकाई सेल के किनारों की लंबाई। इकाई सेल की लंबाई तुम देख सकते हो भाई, वो तो 3D है ना। किनारे की लंबाई हमने मान ली ए, है ना, किनारे है उसके भाई। इकाई सेल किस तरह की मानते हैं हम, इस तरह से मानते हैं ना, क्यूबिक फॉर्म में। तो जो ये मानते हैं ना, ये किनारे की लंबाई हमने ए मान ली, और एक क्यूब है ना, जो क्यूब है तो जो लंबाई होगी वही चौड़ाई होगी और वही ऊंचाई होगी। ठीक है, प्रति इकाई सेल परमाणुओं की संख्या, हमने वो मान ली जेड, जेड ही मानते हैं हम, है ना। ठीक है, और तत्व का परमाणु भार, परमाणु भार वो हमने मान लिया कैपिटल एम। अब यहां से एक दो चीजें तो क्लियर हुई होंगी ना, जेड क्या है, ए क्या है ना, और एन ए में बता दो ये एवोगैड्रो नंबर है। आता कैसे है देखो जरा, हम क्या करते हैं, घनत्व सबको पता होगा क्या होता है, घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन, सिंपल सी बात है, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन बहुत छोटी क्लास में सिखाया जाता है। घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, किसी सब्सटेंस के द्रव्यमान को आयतन से डिवाइड कर दो, घनत्व आ जाता है। ठीक है, हम इकाई सेल की बात कर रहे हैं ना, हम इकाई सेल की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इकाई सेल का घनत्व। ठीक है, वो थोड़ी जंग कम पड़ गई थी, इकाई सेल का घनत्व। ओके, अब द्रव्यमान क्या होता है, अगर हम किसी तत्व की बात करते हैं, द्रव्यमान क्या होता है,
द्रव्यमान होता है आपका एक परमाणु का भार, एक परमाणु का भार एक परमाणु का भार गुणा प्रति इकाई सेल, प्रति इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। तो द्रव्यमान बराबर क्या आ जाएगा आपका, द्रव्यमान बराबर आ जाएगा एक तत्व का एक एक परमाणु का भार, तत्व के एक परमाणु का भार हमने मान लिया स्मॉल एम, और प्रति इकाई सेल परमाणु संख्या हमने मान रखी जेड। ठीक है, तो तत्व घनत्व है, मैं इसको सिंबलाइज कर दूं, मतलब इसको रो से रिप्रेजेंट कर दूं। ठीक है, ये क्या है, रो है, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, द्रव्यमान क्या हो गया आपका एम जेड, एम गुणा जेड अपॉन आयतन क्या होगा आपका, आप क्यूब ले रहे हो, है ना, आप क्यूब का आयतन निकालने के लिए आपसे किसने कहा है, किनारे की लंबाई आपको दे दी, तो आप क्या करोगे, ए गुणा ए लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, आयतन निकल जाएगा उसका, कितना निकलेगा, ए गुणा ए मतलब ए की क्यूब, ये आपका घनत्व आ गया। लेकिन ये फॉर्मूला भी ऐसा लग नहीं रहा जैसा हमने लिखा था, ऐसा तो नहीं लग रहा, कुछ अलग सा लग रहा है, यहाँ एवोगैड्रो नंबर भी नहीं है। तो देखिए, जो तत्व का परमाणु भार होता है ना, हम पूरे तत्व के परमाणु भार की बात कर रहे हैं, वो होता है एक परमाणु के भार और एवोगैड्रो संख्या, एवोगैड्रो संख्या के गुणा के बराबर, ये क्या आपकी एवोगैड्रो संख्या। ठीक है, यहाँ पे एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल एम है, ये ध्यान दो, एन उठा के यहां पर रखो ना यार, है ना, पुटिन, हम इक्वेशन फर्स्ट का नाम देते हैं पुटिन फर्स्ट, तो मेरे पास रो इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान दो, रो इज इक्वल टू क्या होगा, एम की वैल्यू क्या है मेरे पास, कैपिटल एम अपॉन एन ए और गुणा जेड अपॉन ए क्यूब, या फिर रो इज इक्वल टू, ध्यान दो, एम जेड तो ऊपर रह जाएगा ये, और जो एन ए एम नीचे आ जाएगा। अब बताओ ये फॉर्मूला पहले जैसा लग रहा है, नहीं लग रहा, और देख लो उसको जरा थोड़ा सा, जेड मैंने ऐसे लिखा है इसको, इधर लिखा है जेड एम अपॉन एवोगैड्रो संख्या, और ठीक है, आप इसको याद कैसे कर सकते हो, देखो जेड है, जे एम है, मैं एन ए जमुना, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इसको जमने ऐसे याद रखो, क्या निकलाएं, क्या निकलाएं, इकाई सेल का घनत्व, क्या निकला, इकाई सेल का घनत्व। ठीक है, हम क्या करें, क्रिस्टलिक घनत्व निकाल दे, ध्यान दो जो इकाई सेल का घनत्व है वही तो क्रिस्टलिक घनत्व होगा, जो इकाई सेल का घनत्व है वही तो क्रिस्टलिक घनत्व होगा, इसलिए हम इसको कह देंगे क्रिस्टल का घनत्व। ओके, देखो ये तो फॉर्मूला ड्राइव हुआ था यहाँ पे, वीडियो ज्यादा लंबी तो होगी नहीं, लेकिन मैं इसके बाद जो वीडियो भी आएगी आपके पास वो न्यूमेरिकल की होगी, क्योंकि हमारे पास संकुलन प्रभाज हो गया। ठीक है, वहां पे हमने कराया था परमाणु की त्रिज्या और इकाई सेल की लंबाई में संबंध। ठीक है, उसके ऊपर न्यूमेरिकली मान के चलिए, वो वीडियो और यो वीडियो, ठीक है, ये ऐसी दोनों वीडियो है जहां से बोर्ड में या फिर कॉम्पिटिशन में सवाल आएगा ही आएगा, आप रोक नहीं सकते उसको। ठीक है, चलिए इतने रखते हैं यहाँ पर फिलहाल।